झारखंड की इस पवित्र धरती पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कल पधारने वाले हैं 15 सितंबर को, और झारखंड के गरीब भाई और बहन जो अब तक कई भाई बहन कच्चे घरों में रहते थे उनके लिए 1,13,400 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। हमने मकान स्वीकृत करके केंद्रांश राज्य सरकार के को भेज दिया है, लेकिन अब तक स्वीकृति पत्र जो अब तक की जानकारी लगभग 20,000 केवल जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि औपचारिकता राज्य सरकार को पूरी करनी है। और इसलिए वो 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे, और जिन मकानों की औपचारिकता पूरा हो गई है वैसे हितग्राहियों के खाते में मकान के निर्माण के लिए पहली किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से मोदी जी सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसे डालेंगे। झारखंड की सरकार के साथ हमारे अधिकारियों ने लगातार काम करने का प्रयास किया ग्रामीण विकास विभाग के, कि ज़्यादा से ज़्यादा मकान गरीब भाई बहनों को मिल जाए, लेकिन उतनी तेज़ी से काम नहीं हो सका। मेरे अधिकारी यहाँ की सरकार के अधिकारियों को निरंतर संपर्क में बने हुए हैं, जितनी की औपचारिकता पूरी कर लेगी उतने पैसे खाते में डलेंगे। लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि हर गरीब को पक्का मकान मिल जाए। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें जितने भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास कच्चे घर हैं, उन सबको भी पक्का मकान देने के लिए अभियान हमने चलाया हुआ है। अब ये सरकार यहाँ की राज्य सरकार को तेजी से काम करने की कोशिश करनी थी ताकि गरीबों को फायदा मिल जाए। प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेन जो आधुनिक ट्रेन है उनका प्रारंभ करने की सौगात भी देंगे, जो देश के कई हिस्सों में चलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विशाल सभा को भी जमशेदपुर में